देखिए हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में एक बड़ी 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 न्यूज है या धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे, लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश के राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे, हम पूरी घटना के ऊपर हमारी नजर है। सर, उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस के बारे में लिखा है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में एक एरोगेंस दिखता है, अगर उन्होंने टाइम पर डिसीजन नहीं लेता तो शायद तीनों पार्टी एक साथ नहीं आ पाती, उन्होंने डिसीजन में काफी देरी कर दी टॉप लीडर। देखिए माननीय शरद पवार साहब है इस देश के अनुभवी नेता है, उनका अपना एक नजरिया है राजनीति की तरफ देखने का, तो मुझे लगता है मैंने वो किताब हमने पूरी तरह से अब तक देखी नहीं है, मार्केट में आई नहीं है, जब पूरी किताब हम देख लेंगे तो उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। उद्धव ठाकरे जी के बारे में भी उन्होंने लिखा है, उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो लिखा है या बताया गया है उस बारे में उद्धव ठाकरे जल्द ही सामना में एक इंटरव्यू देंगे और अपनी बात सामने रखेंगे।